हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ गाउट। तो गाउट क्या होता है? एक तरह का वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ये डी है ये करेक्ट है। इसमें इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि गाउट किस कारण से होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि एक तरह का ये जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो प्यूरिन का इम्प्रॉपर मेटाबॉलिज्म होता है, जिसके कारण जो होता है यूरिक एसिड का लेवल ब्लड स्ट्रीम में बढ़ जाता है। एंड देन क्या होता है, जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होता है वो सारे जॉइंट्स में क्या होते हैं, वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं, डिपोजिशन होने लगता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इसमें बोला गया है द लाइट ऑफ विच कलर इज़ यूज टू ट्रीट न्यूनेटल जॉन्डिस। इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ऑरेंज लाइट या ब्लू लाइट। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ब्लू लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्टोमक विच कनेक्ट विथ इसोफेगस, ठीक है। जो स्टोमक होता है वो जो पार्ट कनेक्ट होता है हमारा स्टोमक से इसोफेगस, और स्टोमक जहाँ कनेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, कार्डिया बोलते हैं, ठीक है। एंड देन ये जो कनेक्शन है इसको क्या बोलते हैं, पाइलोरस, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, कार्डिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, कौन सा जो है उसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोला जाता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए जो होता है उसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस ए को जो होता है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बोला जाता है, बी को सीरम हेपेटाइटिस एंड सी को पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फाइव। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, इंटरनेशनल नर्सेज डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 12 मई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज नेसेसरी फॉर प्रेगनेंट वुमेन। प्रेगनेंट वुमेन के लिए कौन सा जो है वैक्सीनेशन वो नेसेसरी है। हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रेगनेंट वुमेन होती है उसको टीटी का इंजेक्शन जो है लगाया जाता है। तो इसमें क्या राइट आंसर होगा, टेटनेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। विच इज़ द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टूल ऑफ न्यूनेट इज कॉल्ड, द फर्स्ट टूल ऑफ न्यूनेट क्या होता है, मेकोनियम। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोन एज पुअर मैंस मीट, मिल्क, फिश, पल्सेस या चिकन। इसका राइट आंसर होगा पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये नन नर्सिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। नर्सिंग वाला क्वेश्चन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट टाइफॉइड, टाइफॉइड के डिटेक्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसमें क्या होगा राइट आंसर, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेसीमिया इज कंजेनाइटल क्या है? एक तरह का थैलेसीमिया जो है डिफेक्ट इन बोन, ब्लड डिसऑर्डर, न्यूरल डिफेक्ट या मस्कुलर डिफेक्ट। राइट आंसर क्या होगा, ब्लड डिसऑर्डर। थैलेसीमिया एक तरह का ब्लड डिसऑर्डर होता है। राइस वाटर स्टूल इज अ सिम्टम्स ऑफ, ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कोलेरा एंड ऑप्शन डी टाइफॉइड। तो हमारा राइट आंसर होगा कोलेरा। नेक्स्ट है, विल्म्स ट्यूमर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, जो विल्म्स ट्यूमर होता है किस पार्ट को अफेक्ट करता है, लीवर, किडनी, यूटरस या स्किन। तो राइट आंसर क्या होगा, किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रिसिपेंट, ठीक है। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल रिसिपेंट है? इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ए बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, बुलिमिया नर्वोसा एंड एनोरिक्सिया नर्वोसा आर, ये क्या है, एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, मेंटल में आप लोग पढ़े होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन इज, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन क्या होता है, रैसेस विथ ईचिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्नेलिन चार्ट इज यूज फॉर मेजरिंग, स्नेलिन चार्ट जो होता है उसको क्या करने के लिए मेजर किया जाता है, विजन के लिए उसको यूज़ करते हैं, विजन का मेजरिंग में, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है, विच इज़ द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सियाटिक नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, इसका राइट आंसर क्या होगा, कैल्शियम आयन। नेक्स्ट है, द वेट ऑफ एन इन्फेंट बेबी कम्स ट्वाइस द बर्थ वेट एट एज ऑफ, बेबी का जो बर्थ है, इन्फेंट बेबी का, उसका जो बर्थ वेट है उसका ट्वाइस वो कब हो जाता है, तो 6 मंथ में जो है वो ट्वाइस हो जाता है, देन 1 ईयर में क्या हो जाता है, थ्राइस हो जाता है, ठीक है। देन है 22 नंबर, एंजियोग्राफी इज एक्सरे विजुलाइजेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, ठीक है।
सॉरी इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, ठीक है। ब्लड वेसल्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो विजुलाइजेशन ऑफ हार्ट का ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, MMR वैक्सीन इज डन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, मिजल्स मम्स एंड रूबेला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो सीक टेस्ट किया जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन सेल कितना होता है, 46। पैरासीटामोल इज नॉट गिवन टू दोज पेशेंट हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम लीवर डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर, लंग डिसऑर्डर या GIT डिसऑर्डर। तो जो पैरासीटामोल होता है वो हेपेटोटॉक्सिक ड्रग होता है, इसलिए जो लीवर डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनको हम लोग ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए लीवर डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज लेडी विथ लैम्प, इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्लोरेंस नाइटेंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट, इसका राइट आंसर क्या होगा, इनसिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द मेमोरी एंड कॉग्निटिव फंक्शन इन ओल्डर पर्सन इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है,